भैया आजकल बिहार बहुत प्रगति पर है, यहाँ एक से एक गुणवान बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। कुछ तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि कार छोड़िए, कैब छोड़िए, टैक्सी छोड़िए, चलिए ऑटो से सस्ता में पहुँचा देगा। तो हम कहते हैं कि फिर पैदल चलिए, फ्री में पहुँचा देगा और शरीर भी सही रहेगा। देखिए भैया, सब लोग की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये बात उन बुद्धिजीवी पत्रकारों को कौन बताए जो पैसा लेकर किसी भी कंपनी की बड़ाई करने में लगे हैं, और सिर्फ बड़ाई करने में लगे हैं। बुरा बताएंगे तो हो सकता है पैसा ना मिले, लेकिन बिहार के हम उन पत्रकारों से एक बात कहना चाहते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर किसी चीज की अच्छाई है तो उस चीज की बुराई भी होती है, और एक पत्रकार का काम होता है कि अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को बताए। ऐसा नहीं कि जो पैसा दिया उनका अच्छा है और जो ना दिया उनका बुरा हो गया। अगर किसी कंपनी का ऑटो यूज करने से ऑटो वालों का फायदा होगा, तो किसी कंपनी का टैक्सी और कैब यूज करने से भी ड्राइवर का फायदा होगा। लेकिन यह बात सब लोगों को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी आंखों के सामने पैसों का चश्मा लगा होता है, पैसों से आगे कुछ दिखता ही नहीं। और जहां तक रहा समय बचाने का सवाल, पटना की सड़कों का हालात देखकर हम ये कह सकते हैं कि आप ऑटो से चलिए चाहे कार से चलिए, टाइम तो उतना ही लगेगा। वैसे देखिए पत्रकार साहब, हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज तो आप बता दिए, और कुछ डिसएडवांटेज हम बता देते हैं। अगर आप ऑटो में चलिएगा तो बिहार में पोल्यूशन बहुत है, आपके स्किन पे बुरा असर पड़ सकता है। कार में शीशा बंद करके अपने आप को बचाया जा सकता है। आप कार में बैठ के कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, कोई बाहर से पीप पाप हॉर्न की आवाज नहीं आएगी। और आप तो जानते ही हैं कि बिहार में लोगों को बेमतलब हॉर्न बजाने की कितनी आदत है। खैर पत्रकार साहब, आपको हम एक बात और बता दें, अगर ऑटो गरीब लोग चला रहे हैं, कैब के ड्राइवर भी बिहार के ही गरीब लोग हैं, और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पैसा कमाए लेकिन किसी के पेट पे लात मारकर ना कमाए। बस एक छोटी सी मुहिम थी हमारी तरफ से, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें।